चलो दोस्तों आज हम आपको दिखाते हैं डी 450 आइस के पत्ते में क्या प्रॉब्लम आती है इसमें। इसमें या तो क्रैक होने की ज़्यादा समस्या आती है, जब ये क्रैक हो जाता है तो जहाँ से वायरिंग होती है वही ले के अलग हो जाती है। तो इसको बताते हैं कहाँ से क्रैक होएगा, क्या हुआ है और कैसे पत्ता चेंज करते हैं। डी 450 है, अभी जैसे हम मीटर से चेक कर रहे हैं कि स्पार्क वर्क कर रहा है ये पत्ता, ये देखो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर लिखें कि किस चीज़ के ऊपर हम वीडियो बनाएं, ऐसे हमें और भी जानकारी मिलेगी। यह इसका पत्ता है जो अपन डाल रहे हैं, ये एटोन का पत्ता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट में ज़रूर बताएं किस चीज़ के लिए हम किस चीज़ का वीडियो और बनाएं। अभी अपन ने नया पत्ता डाले, टेस्टिंग हो रहा है, ये कंप्लीट। अब हम आपको दिखाएंगे पुराने पत्ते में क्या दिक्कत है, अभी इसका टेस्टिंग करेंगे, उसके बाद बताएंगे क्या हुआ था। ये 6 वाट की बैटरी, इससे ज़्यादा वाट का नहीं। अगर आपके पास खेत में कोई भी चीज़ चेक करने का सिस्टम नहीं है तो 6 वाट की बैटरी है और उसके से आप टेस्ट करते हैं। ये हम बताते हैं पुराने पत्ते में, यहाँ से पटा इसकी वजह से इसमें जहाँ से डाल जाता है वहाँ से क्रैक होता है।